वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लॉरेल के दो प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दो डैमेज रिपेयर शैम्पूस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों में बहुत चीज़ें सिमिलर है पर बहुत सी चीज़ डिफरेंट भी है, जैसे कि दोनों का प्राइस बहुत डिफरेंट है। एक का प्राइस सुपर हाई है तो दूसरे का सुपर लो है। ऐसा क्यों है, क्या डिफरेंस है दोनों में, अगर वो सस्ता है तो क्या वो बढ़िया है या नहीं है, हम हर चीज़ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, क्या प्राइस फैक्टर देख के चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वही सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो दो प्रोडक्ट्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक है लॉरेल का टोटल रिपेयर 5 शैम्पू और दूसरा है लॉरेल का एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू। इसकी आपने सबसे ज्यादा ऐड देखी होगी टीवी में, ऐश्वर्या राय की फेमस ऐड, ये वही वाला शैम्पू है। और ये जो लॉरेल एब्सोल्यूट रिपेयर है, इसकी आपने कभी टीवी ऐड नहीं देखी होगी, बट ये सुपर पॉपुलर प्रोडक्ट है, हर सैलून वाला आपको रिकमेंड करता है अगर बात डैमेज की आती है। इससे पहले हम आपको डिफरेंस बताएं, पहले कुछ सिमिलैरिटीज बता देते हैं दोनों में आखिर होता क्या है। ये दोनों ही डैमेज रिपेयर शैम्पू है। बालों में जब डैमेज हो जाता है कोई भी रीजन से, चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो, केमिकल ट्रीटमेंट हो, सन में रहने से हो या कोई भी अदर रीजन से हो, ये दोनों शैम्पू रिपेयर करने का काम करते हैं। दोनों आपके बालों में जैसे स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, ड्राइनेस हो जाते हैं, हेयर फॉल होता है, हर चीज़ कवर अप करते हैं। ये तो हो गई सिमिलर की बात, अब ये दोनों डिफरेंट क्यों है। सबसे पहला डिफरेंस जो है इसमें, ये एक रेगुलर रिटेल रेंज है, आपको ऑलमोस्ट हर स्टोर पे मिल जाएगी, हर जनरल स्टोर पे मिल जाएगी। बट जब हम लॉरेल एब्सोल्यूट रिपेयर की बात करते हैं, ये आपको मोस्टली सैलॉन्स में मिलेगा। ये एक प्रीमियम कैटेगरी की रेंज है, ये एक प्रो रेंज है, ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ कोई बेस्ट सैलॉन हो गया या कोई अच्छा कॉस्मेटिक्स का स्टोर है, आपको वहीं देखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी सैलॉन वालों से पूछोगे तो वो आपको हाईली रिकमेंड ये वाला करेगा, लॉरेल एब्सोल्यूट रिपेयर। एंड बाय दैट नो मीन्स ये शैम्पू हल्का हो जाता है, ये शैम्पू भी बहुत बढ़िया है। दोनों में जो मेजर डिफरेंस आता है इंग्रेडिएंट्स का आता है, दोनों की जो टेक्नोलॉजी है उसमें फ़र्क आ जाता है, जो दोनों के इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें फ़र्क आ जाता है। जो प्रो रेंज होती है उसमें प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। दोनों शैम्पू डैमेज रिपेयर करते हैं, फ़र्क सिर्फ इंटेंसिटी का होता है। जैसे लॉरेल का एब्सोल्यूट रिपेयर आपको 13 टाइम्स रेजिस्टेंस देता है किसी भी हेयर डैमेज से, जबकि अगर हम लॉरेल एब्सोल्यूट टोटल रिपेयर की बात करें तो ये 4 टाइम्स रेजिस्टेंस देता है आपको किसी भी डैमेज रिपेयर से। तो आपको ये स्पीडी प्रोसेस हो गया, आपको जब यह है कि बहुत मेजर डैमेज है तब आपको लॉरेल एब्सोल्यूट रिपेयर ज़्यादा फ़ायदा दे पाएगा एज़ कम्पेयर टू अ टोटल रिपेयर शैम्पू। सबसे पहले बताते हैं ये जो दोनों शैम्पूज हैं क्या क्या डैमेज कवर करते हैं आपके बालों में। आपके बालों में स्प्लिट एंड्स है, ड्राइनेस है, रफनेस है, शाइन खत्म हुई हुई है, हेयर फॉल हो रहा है, ये पांचों प्रॉब्लम ये दोनों शैम्पूस कवर अप करते हैं। इसके साथ साथ एक जो डिफरेंस है दोनों में, ये वाला शैम्पू आप कोई हेयर ट्रीटमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने रिबॉन्डिंग या फिर स्मूदनिंग कराई है तो आप ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, सैलॉन वाला आपको ये रिकमेंड करेगा। उसका रीज़न ये होता है ये एक डैमेज रिपेयर शैम्पू है और जो भी केमिकल ट्रीटमेंट में डैमेज होता है ये उसका इफेक्ट रिवर्स करता है। जबकि ये टोटल रिपेयर शैम्पू कर आप ये भी सकते हो, बट आपको कोई सैलॉन वाला रिकमेंड नहीं करेगा और ना ही हम करेंगे, बिकॉज इसकी इंटेंसिटी कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया 4% इंटेंसिटी है, जबकि इसकी इंटेंसिटी 13% है। बिकॉज जब आप केमिकल ट्रीटमेंट कराते हो या कोई मेजर डैमेज होता है तो आपको हाईली रिकवरी शैम्पू चाहिए होता है, जो कि होता है एब्सोल्यूट रिपेयर। अब अगर आपको शॉर्ट में बताया जाए दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने देखा होगा iPhone 13 भी आता है, iPhone 13 Pro भी आता है। iPhone 13 Pro बहुत बढ़िया है, बट इसका क्या ये मतलब होगा iPhone 13 बेकार है? दोनों में डिफरेंस है, बट इसका ये मतलब नहीं iPhone 13 बेकार हो गया। ये दोनों शैम्पूज बहुत अच्छे हैं, दोनों डैमेज रिपेयर करेंगे, दोनों की स्पीड में फ़र्क है, इंटेंसिटी में फ़र्क है। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो ये शैम्पू भी बहुत बढ़िया काम करेगा, आप ये शैम्पू भी ले सकते हैं। इनफैक्ट कहा जाए तो सेम काम करेगा बट थोड़ा स्लोली करेगा। अगर ये रिजल्ट आपको 3 दिन में दिखाएगा तो ये 7 दिन में दिखाएगा, यही एक डिफरेंस है। बट अगर प्राइस फैक्टर आपके लिए इशू नहीं है तो गो फॉर एब्सोल्यूट रिपेयर। इससे बढ़िया शैम्पू शायद लॉरेल की पूरी रेंज में दूसरा कोई नहीं है। सबसे हाई स्पीड रिकवरी शैम्पू है, कोई भी आपके बालों में डैमेज है, आपको सैलॉन लाइक फिनिश चाहिए ये वो भी देगा, शाइनी हेयर चाहिए वो भी देगा, बाल डिटैंगल ना हो, हेयर फॉल ना हो, हर चीज़ ये कवर अप करता है। लॉरेल का जो टोटल रिपेयर शैम्पू है इसमें सेरामाइड टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और केराटिन इन्फ्यूज होता है, जो कि आपके बालों को डैमेज रिपेयर देने का काम करता है। जबकि जो लॉरेल का एब्सोल्यूट रिपेयर है, इस ये एक प्रोटीन शैम्पू आपके बालों को प्रोटीन देता है और साथ के अंदर इसके अंदर एक सुपर फूड होता है जो कि नाम होता है कीनवा। ये गोल्ड कीनवा होता है और आपको बालों को बहुत जल्दी रिकवर करता है और डैमेज रिपेयर करने का काम करता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था दोनों बहुत सिमिलर शैम्पूज हैं, काम बहुत सिमिलर करते हैं, बट दोनों के इंग्रेडिएंट्स में ये एक मेजर डिफरेंस था। तो आप वाइजली अपना प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया बजट इज नॉट एन इशू, गो फॉर एब्सोल्यूट रिपेयर, वरना आप लॉरेल टोटल रिपेयर ले सकते हो। दोनों के प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं।
आप दोनों में से कोई भी शैम्पू ऑर्डर करना चाहें, हम ऑल ओवर इंडिया इसकी डिलीवरी करते हैं। आप इंडिया के कोई भी कोने में बैठ के इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मोर देन हैप्पी होंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे और आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। और अगर उसकी नीड नहीं हुई, आपको डायरेक्टली कमेंट में भी रिप्लाई करके बता देंगे। अगर आप हमारा स्टोर विजिट करना चाहें तो गूगल मैप्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मोर देन वेलकम है, हमारा स्टोर विजिट कर सकते हैं और हमारी वाइड वैरायटी देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर सोच सचदेवा। गुड बाय।